नमस्ते दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में आखिर तक, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हमारी चर्चा होने वाली है, इसीलिए बीच में स्किप न कीजिएगा। जिससे सारी दुनिया इस वक्त भयभीत हो चुकी है, डरी हुई है, वो है कोरोना। ये ऐसा विषय है जो शरीर से ज़्यादा दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर कर चुका है। तो हम आज सर से जानेंगे कि आज जो पहली वेव निकल चुकी है और सेकंड वेव आ गई है, शुरू है, चल रही है, और वैक्सीनेशन भी चल रहा है। इस समय वैक्सीनेशन को लेकर बहुत से लोग नकारात्मकता में डूबे हुए हैं, नेगेटिविटी में डूबे हुए हैं। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि जो लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, और वैक्सीन लेने के बाद उसके फ़ायदे क्या है और नहीं लेने के फ़ायदे यानी नुकसान क्या है। आइए हम सर से मिलते हैं। नमस्ते सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। अभी आपने सवाल किया वैक्सीन के ऊपर। देखिए, वैक्सीन एक तो लोगों का विश्वास नहीं करके लोग लेते नहीं, उनका विश्वास ही नहीं एलोपैथी के ऊपर, और इसलिए लोग वैक्सीन लेते नहीं है। बोलते नहीं, हमारा आयुर्वेदिक ठीक है, होम्योपैथी ठीक है ना, इसलिए लोग लेते नहीं है। दूसरा जो है वो है डर, इंजेक्शन का डर है कि नहीं इंजेक्शन नहीं लेंगे, उनको बहुत ही डर लगता है, मतलब इंजेक्शन फोबिया रहता है, और उसकी वजह से वो लेते नहीं कि नहीं होना इंजेक्शन नहीं होना। एक्चुअली वैक्सीन हर व्यक्ति ने लेना चाहिए। मैंने भी लिए, दो डोज मेरे हो चुके हैं, और मैंने कोविशील्ड लिया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, कोविशील्ड बोलो या कोवैक्सीन बोलो, या अभी स्पुटनिक भी आया हुआ है रशिया का, वो बोलो, ऐसा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। मगर दोनों डोज लेना जरूरी है, और दो डोज लेते हैं तो हो सकता है कि आपको बूस्टर फिर से 6 महीने बाद लेना पड़ेगा, या वो बोलेंगे नहीं अभी 1 साल के बाद में लो बूस्टर डोज, तो भी लेना पड़ेगा। मगर इतना पक्का है कि वैक्सीन से आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी या वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सीरियस कोरोना वायरस अंदर घुसेगा नहीं, या इतनी सीरियस बीमारी होंगी नहीं। उन्होंने ऐसा बोला नहीं कि वैक्सीन लिया तो आपको कोरोना होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना हो सकता है मगर सीरियस नहीं है, सीरियस बीमारी नहीं होगी। वेंटिलेटर का काम नहीं पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मामूली हो गया, थोड़ा बहुत खांसी बुखार थोड़ा आ गया तो आ गया, ऐसा होगा। लोग वैक्सीन नहीं लेने का और एक कारण ऐसा है कि कोरोना वैक्सीन लेने से साइड इफेक्ट होते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। और साइड इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। साइड इफेक्ट्स में होता है, एक तो बदन दर्द होता है या बुखार आता है मामूली सा, और वो हर जगह यही बोला हुआ है कि भाई पैरासीटामोल की दवाई लो, और वो दवाई आप लेंगे मतलब गोली लेंगे, आधी गोली एक गोली लेंगे तो वो दर्द नहीं होगा, थोड़ा सा बुखार जैसा लग सकता है। कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं। मुझे अभी एक पेशेंट मिला था, बोले हमारे गाँव में लोगों ने वैक्सीन लिया और वैक्सीन लेने के बाद में 1 घंटे के बाद 14 लोगों की मौत हो गई। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं, कहीं पेपर में नहीं है, कहीं टीवी पे नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है। और आप ऐसा कैसा बोल रहे, नहीं बोले हुई 14 लोगों की मौत हो गई। मतलब ऐसा कुछ भी लोग बहकाते हैं, लोगों को ऐसे रूमर्स फैलाते हैं और लोगों के मन में डर पैदा करते हैं। तो एक तो बुखार आना, आंग में बदन में दर्द करना, थोड़ा थकान महसूस करना, या बहुत रेयरली लोगों को दस्त लगे हुए हैं, बहुत रेयरली दस्त, डायरिया लगा हुआ है, किसी को नौशिया हुआ है, और किसी को ऐसा थकान महसूस होती है। तो एक आध दो दिन हो सकता है कि थकान लग रही है तो वो सो गया, आराम कर रहा है। तो वैक्सीन लेने के बाद में आपने एक ही काम करना है कि खान पान अच्छा रखना है, नींद अच्छी लेना है, 8 घंटे की नींद ले लो, खान पान अच्छा रखो, पानी अच्छा पियो और आराम करो। टेंशन मत लो कि वैक्सीन लिया आप क्या होगा, वैक्सीन लिया आप क्या होगा, ये करेंगे तो आपको कुछ भी होगा नहीं। वैक्सीन से कोई डरने का कारण नहीं है। वैक्सीन लेंगे तो डेफिनेटली इतना पक्का है कि कोरोना होगा नहीं, और हुआ तो आपको वेंटिलेटर पे जाने का काम पड़ेगा नहीं, सीरियस होंगे नहीं। बहुत अच्छे तरीके से बताया सर आपने। लेकिन मैंने देखा है सर कि जब लोग वैक्सीन लेने के बाद आ रहे हैं हॉस्पिटल से पहला डोज लेने के बाद, तो शुरू से ही तबीयत खराब ना हो इसके लिए पहले ही, बुखार आने से पहले ही दवा ले रहे हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को कि यानी कितने समय बाद बॉडी पेन ना हो उसके लिए दवाई लेनी चाहिए, या फिर उसी वक्त जब इंजेक्शन लिया जा रहा है, वैक्सीन ली जा रही है, उसी वक्त हमने दवा लेनी चाहिए? तो इसमें आप क्या क्या लोगों को बताएंगे कि कब लेनी चाहिए दवा? नहीं,
क्या मालूम है क्या ऐसा कब लेना चाहिए? कुछ नहीं, मैं तो वैक्सीन लिया और मैंने खुद ने एक गोली खा लिया पैरासीटामोल उसी समय खा लिया। मतलब कहाँ आपने दिन भर काम करना है, कहाँ बॉडी दर्द करेंगी या बुखार आएगा, जो भी कुछ होगा तो क्यों तकलीफ? एक गोली खा लो और मुझे कुछ तकलीफ नहीं, एक नए पैसे की तकलीफ नहीं, कुछ भी ऐसा लगा भी नहीं, मैं तो भूल भी गया कि मैंने वैक्सीन लिया कर, तो रुकना क्यों है? खा लेना दवा, फ्री हो जाना, बुखार आएगा फिर और तकलीफ, फिर और टेंशन, बुखार का है क्या है? गोली खा लिया बुखार आने का कारण भी नहीं है। एक दिन बुखार चलता है, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे बुखार चलेगा। लेकिन मैंने सुना है कि ये बुखार आना जरूरी है सर, जो वैक्सीन होने के बाद जो बुखार आना चाहिए, बॉडी पेन होना चाहिए, वो होना जरूरी है। तकरीबन 12 घंटे, 10 से 12 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं लेना है, ऐसे मैंने पढ़ा है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूरी है ऐसा भी नहीं है। बुखार, बहुत लोगों को बुखार आया भी नहीं जी। अब जैसा मैंने पहली गोली खा लिया तो मेरे को बुखार ही नहीं आया जी। है ना, और कुछ हुआ भी नहीं, तकलीफ भी नहीं हुई जी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि बुखार आना चाहिए। लोग वैक्सीन लेने के बाद में ऐसा बोलते कि आधा घंटा वहीं रुको, जहाँ वैक्सीन आपने लिया वहीं रुको, और आपको कुछ तकलीफ होती है डॉक्टर को बताओ, तुरंत उसका इलाज कर लो। अब तो घर घर जाके वैक्सीन चालू होने वाला है, घर घर जाके भी वैक्सीन देने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैक्सीन से कुछ भी नुकसान नहीं, जान को खतरा बिल्कुल ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है सर, जब से कोरोना आया है और उसके बाद कोरोना के बारे में सोच सोच के नकारात्मकता में जाने के बाद, यानी जाने की वजह से लोगों में मानसिक बीमारियों का यानी बढ़ावा हुआ है क्या, बढ़ी है क्या मानसिक बीमारियाँ, कि लोगों के मस्तिष्क पे या फिर दिमाग पे इस बात का क्या असर हुआ है, आपका अनुभव क्या है? देखो दो बातें हैं, एक तो जिनको कोरोना हुआ उनको मानसिक बीमारियां, मतलब मानसिक लक्षण दिखे कुछ, जैसे अभी मेरे पास में काफ़ी पेशेंट है कि जो बोल रहे कि हमको भी याददाश्त कम हो गई, कॉन्सेंट्रेशन रहता नहीं, भुलक्कड़पना आ गया, ऐसा लोग बोल रहे कोरोना के बाद में, कोई काम में ऐसा मन लगता नहीं है, काम बहुत स्लो हो गया, टाइम लग रहा है काम करने को, ऐसा लोग बोल रहे हैं। कुछ लोगों को कोरोना के बाद में एक ऐसा हादसा जैसा हो गया कि कोरोना में मैं मरता था तो क्या होता था, मेरे बच्चों का क्या होता था, मेरे फैमिली का क्या होता था, और उनको ऐसे ही उसके वजह से एक एंग्जाइटी और डिप्रेशन के कॉम्बिनेशन वाले सिम्टम दिखे कोरोना के बाद के। बहुत लोगों को डिप्रेशन दिखा, डिप्रेशन आया, और बहुत लोगों को भी ऐसा एक डर सा है कि भाई हो सकता है कोरोना के एक महीने बाद में और कुछ होगा, कोरोना के 2 महीने बाद में कुछ लंग्स को कुछ होगा, फेफड़ों को कुछ होगा, तो ऐसे डरे हुए इंसान कि भाई कुछ तो भी होगा और कुछ होगा क्या आगे। कुछ लोगों को बिना वजह कुछ थकान आती है, घर में बैठे हैं काम नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों को बाकी और कोई बीमारी होंगी इसका टेंशन है, उसकी एंग्जाइटी। तो ये हो गया जिनको कोरोना हुआ है उनके बारे में, होकर गया है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कोरोना हुआ ही नहीं है, इनके घर वालों को कोरोना हुआ, आसपास कोरोना हुआ, वो लोग डरे हुए, बहुत डरे हुए। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि मुझे मालूम है कि वो पिछले 15 महीनों से घर के बाहर ही निकले नहीं, घर में बैठे हुए, और उनको सब घर में ही चाहिए। और उन्होंने एक बार कुछ सामान मिल नहीं रहा था तो किराना लाने के लिए एक बार वो आदमी बाहर गया और रिक्शा से गया, ऑटो रिक्शा से आया और उसको कोरोना हो गया। ऐसे भी देखे मैंने कि भाई इतने सारे दिन, मतलब 15 महीने में एक ही बार गया उसी समय कोरोना हो गया। तो जितना डर के जियोगे उतना ज़्यादा कोरोना होने के चांसेस है, और कोरोना होगा इसके वजह से टेंशन एंग्जाइटी बहुत लोगों को है, बहुत ही ज़्यादा है, कोरोना होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, ऐसा इतना है कि लोगों को सीने में धड़कन, घबराहट, बेचैनी, नींद नहीं आना, कोरोना हुआ तो मैं मर जाऊँगा क्या, कुछ लोगों ने अपनी विल मृत्यु पत्र लिखे है कि मैं मर जाऊँगा तो क्या होगा, मृत्यु पत्र लिख दो। और कुछ लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी से, बहुत लोगों ने इंश्योरेंस निकाले हुए हैं कि भाई मैं मर जाऊंगा कोरोना से, ऐसा उनको एक डर बैठा हुआ है। और वो कभी कभी लोगों को पैनिक अटैक आता है उसके वजह से, एकदम डर जाते हैं, एकदम घबराहट, धड़ 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 चालू जाएंगे, हाथ कपना चालू हो जाएंगे, पसीना आ जाएगा, और वो अटैक उनका 10 से 15 मिनट चलेगा और 15 मिनट बाद में अच्छे हो जाएंगे। तो उनको ऐसा एक पैनिक अटैक का डर बैठा हुआ है, कोरोना का फोबिया हुआ है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, नींद नहीं आती है, खाना धकता नहीं, खाना पचता नहीं है, थकान महसूस होती है। अभी कोरोना हुआ ही नहीं तभी ये लक्षण है, और कोरोना के बाद में भी लक्षण दिखाई दिए हैं। तो इस तरह का मानसिक बीमारियां बहुत बड़ी हुई है। लोगों को अभी जरूरत है एक रीएश्योरेंस की, बहुत रीएश्योरेंस करना कि कुछ नहीं होगा, डरो मत, कुछ होने वाला है नहीं।
तो रीएश्योरेंस होना, उनको सपोर्ट देना, और इसके लिए काफ़ी जगह साइकियाट्रिस्ट लोगों ने हमारे जैसे और हमने भी किया हुआ ऐसा कि वे लोग ऑनलाइन हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उनको कोई टेंशन होगा तो उसके बारे में पूछो, कोरोना के बारे में कोई शिकायत होंगी, मतलब कोई विचार चालू है, नकारात्मक विचार चालू तो उसके बारे में काउंसिलिंग करो, तो हमने भी काउंसिलिंग चालू की है। काफ़ी जगह साइकियाट्रिक एसोसिएशन जो है तो उनने भी अपने नंबर दिए हुए हैं, कोई हमको कॉन्टैक्ट करो, आपको कुछ भी तकलीफ है, मानसिक कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो जल्दी हमें कॉन्टैक्ट करो, हम आपको काउंसिलिंग करेंगे या कोई दवाई देंगे। तो ऐसा कोरोना नहीं होना और कोरोना होना दोनों के बाद में मतलब प्रॉब्लम्स लोगों को है। थर्ड वेव के बारे में आपका क्या ख्याल है सर? बहुत से लोगों में ऐसी अफवाह है, कोई कहता है कि थर्ड वेव आएगी, लेकिन बहुत से यानी लोगों में ये भी है कि नहीं, थर्ड वेव ऐसी कोई चीज है नहीं जो आने वाली है, ये सिर्फ भ्रम है। आपका क्या कहना है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखो क्या होता है कि थर्ड वेव के बारे में जो भी अभी अनुमान लगा रहे हैं लोग, वो एक स्पेनिश फ्लू से हो रहा है। स्पेनिश फ्लू जब हुआ था 100 साल पहले, तो वहां से अनुमान लगा रहे कि इस तरह के जो एपिडेमिक होते हैं उसकी थर्ड वेव आती है, तो एक कारण है लोगों का कि नहीं वो थर्ड वेव उस समय आई थी, अभी भी थर्ड वेव आएंगी, आने वाली, ऐसा लोगों को लगता है जो बोल रहे हो स्टैटिस्टिकली, सांख्यिकीकरण जो है ना, सांख्यिकी दृष्टि से कि भाई नहीं वो होने वाला है, क्योंकि पहले भी हुआ था पास्ट में, अभी भी होगा। लोगों का ऐसा, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं बोलते कि थर्ड वेव आएंगी, वो फर्स्ट वेव से कम रहेंगी, फर्स्ट वेव से कम रहेंगी, मतलब फर्स्ट वेव जितनी तेजी से थी उससे उतनी तेज नहीं रहेंगी, या सेकंड वेव से तेज नहीं रहेंगी उससे बहुत कम रहेंगी, क्योंकि अभी तब तक काफ़ी लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, लोगों को हुआ भी कोरोना तभी ज़्यादा लोगों को होगा नहीं। कुछ लोग ऐसा बोले कि थर्ड वेव आएंगी नहीं, क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी बहुत लोगों का हो चुका है, मतलब महाराष्ट्र में ही अभी, मुझे एग्जैक्टली आंकड़े आज के मेरे पास में नहीं है, तभी भी 2 करोड़ लोगों का ये वैक्सीनेशन हो चुका है, ऐसे कोई आंकड़े बता रहे, सेकंड डोज लोगों का होने का बाकी है। तो वैक्सीनेशन जब हो रहा है तो वो एक पॉपुलेशन हो गया जिनका वैक्सीनेशन हो गया, एक पॉपुलेशन है कि जिनको कोरोना हुआ है, फिर बचे कितने लोग, बच्चों को होता नहीं है, अभी बचे कितने लोग, बचे 20-30% लोग बचे हुए कि जिनको कोरोना हो सकता है। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि अभी कोरोना आएगा तो अभी बच्चों को होगा, है ना, तो बच्चों को होगा, और ऐसा कुछ हो गया तो फिर बड़ी मुश्किल वाली बात है, बच्चों का इलाज करना, बच्चों को ट्रीटमेंट देना, तो हमारी गवर्नमेंट और सब हॉस्पिटल्स बिल्कुल तैयार है कि बच्चों का कोरोना हुआ तो उस समय क्या करना है, क्योंकि बच्चों के साथ में फिर माँ को भर्ती करना पड़ेगा, पेरेंट्स साथ में रहेंगे, उनकी कैसी व्यवस्था होंगी, बच्चे अकेले रहेंगे नहीं, छोटे बच्चे, तो वो भी अभी इंतजाम चालू है लोगों के कि बच्चों को कोरोना हुआ तो क्या करना। अभी बच्चों के ऊपर वैक्सीनेशन के ट्रायल्स चालू है, और वो यदि वैक्सीन जल्दी आ जाता है तो बच्चों को भी कोरोना होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो थर्ड वेव आएंगी कि नहीं आएंगी कोई भविष्यवेत्ता बता सकता नहीं है, स्टैटिस्टिकली बोलते कि आ सकती है। और जिस तरह से अभी ये डेल्टा वेरिएंट या डेल्टा प्लस का भी जो हो गया, कि जिसके वजह से भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 4 बजे तक का लॉकडाउन जाहिर किया हुआ है, सुबह से 4 बजे के बाद भी लॉकडाउन है, क्योंकि अभी डर है गवर्नमेंट को कि फिर से सेकंड वेव जैसा ना हो, तो 4 बजे के बाद में जो प्रॉब्लम, मतलब 4 बजे तक ही लोगों को अलाउ किया बाहर घूमना फिरना, उससे भी डेल्टा प्लस जो है, डेल्टा वेरिएंट अभी वो कंट्रोल में आएगा और थर्ड वेव कंट्रोल में आएंगे ऐसा लगता है। तो शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इससे निश्चित ही लोग यानी जागरूक होंगे, जो डर है लोगों में कोरोना को लेकर, वो निश्चित रूप से ये वीडियो देखने के बाद लोगों के मन से ये डर निकल जाएगा। एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।